अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर अपना सीएस 101 का मॉड्यूल नंबर 141 टू 160 तक क्लियर करेंगे। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा इंशाल्लाह फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन होगी वो भी हम इसी चैनल पर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही हमारे पास जो पेपर्स करंटली आ रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स उसको अटैम्प्ट करेंगे, हम आपके साथ वो भी विद इन आफ्टर 5 मिनट्स शेयर कर देंगे, जिसका फायदा ये होगा। आप सबको पता है एज यूजल वी यू अपना पास पेपर जो होता है बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो करंटली पेपर होते हैं वो भी रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं वो जो करंटली पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर से क्वेश्चंस आने के। तो आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दिया होगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस पर जो है वो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और मुझे भी आपके लिए वीडियोस बनाने का फ़ायदा हो जाएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो में सबसे पहले आज हम करेंगे मॉड्यूल नंबर 141, नाम है इसका स्कोप ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। मतलब क्या इसका, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले जो इसने ओवरऑल यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर यही बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो उसको आप क्वालिटी वाइज चेक करते हैं। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उसी तरह से आपका जो आपने जिसको बेचना है उसी के मुताबिक आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ के अंदर यहाँ से देखें, जो कंट्रीज़ होती हैं इस्टेब्लिश करती हैं अपनी क्वालिटीज़ को। और क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस होती है जिसे हम SQA भी कहते हैं, और ये आपका MCQ आता होता है। व्हाट इज स्टैंड फॉर SQA, तो SQA स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी क्वालिटी को बेहतर करना है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट की बात करें तो ये इसने सारी कहानियाँ आपको बताई हुई, ये आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेनी है। यहाँ से देखें वो कह रहे हैं, अनदर क्वालिटी ओरिएंटेड थीम इज़ द यूज़ ऑफ वीवर्स इन विच वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर। क्या मतलब है इसका, मतलब ये इसका कि अनदर जो क्वालिटी है ओरिएंटेड, इसका मतलब है कि थीम आपका जो रिव्यूज़ होता है उनको वेरियस पार्टीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने रिव्यूज़ को देखेंगे, आपके जो व्यूवर्स होंगे आपको देखेंगे कि इसकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेहतर है उतना ज़्यादा हमें जो फ़ायदा होगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि सॉफ्टवेयर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपने एक दो बार देख लेना है खुद से, या मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने भी इसको अपने हैंड आउट्स के अंदर हाईलाइट कर लेना है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है, ये आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। मॉड्यूल नंबर 142 की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 142 में आपको क्या कह रहा है कि अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बारी आती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया हुआ है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है कि क्या आपका सॉफ्टवेयर वेरीफाइड है या नहीं है। वेरीफाई का मतलब क्या होगा कि क्या आपके सॉफ्टवेयर में वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको एक यूज़र ने या आपके क्लाइंट ने कही थी। अगर तो वो सॉफ्टवेयर मौजूद है फिर आप उसको टेस्ट करते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पर लाई करती हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर लाई करती हैं, ये आपने याद रखना है। आगे बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कुछ ना कुछ मैथडलॉजीज होते हैं जिसे हम टेस्ट करते हैं। एज लाइक सबसे पहला मैथड है पेट्रो प्रिंसिपल, ये मैथड है जिसके ज़रिए आप इसे चेक कर सकते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि दो तीन मैथड और हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊँगा, इसको आपने याद रखना है। ये पेट्रो मेथड होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप प्रेपोजिशन को चेक करते हैं, इंस्टांसिस को चेक करते हैं, यानी आप टेस्ट करते हैं, आप छोटा सा सॉफ्टवेयर रन करते हैं क्या ये हमारा सही काम कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल होगा ये पेट्रो प्रिंसिपल कहलाता है। दूसरा जो है आपने 3 से 4 नाम याद कर लेने, इस तरह को आप इस तरह के आपसे आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अनदर सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टिंग मैथडलॉजी कॉल्ड बेसिस पाथ टेस्टिंग। दूसरा जो है वो बेसिस पाथ टेस्टिंग है, दैट इज़ टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा डैट इंश्योर डैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। बेसिस पाथ टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी हर जो इंस्ट्रक्शन है उसको एटलीस्ट एक दफ़ा आपके प्रोग्राम के अंदर लाजमी रन करना है। इसका मतलब क्या है, यानी कि हर जो आपने कोड लिखा हुआ है हर कोड को एक दफ़ा लाजमी लाइन को एग्जीक्यूट होना ही होना है। उसके बाद बात करें तो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है आपके पास जी, तो यहाँ पर देख लें, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है आपके पास, वो कह रहा है इट कंट्रास्ट इन अ कैटेगरी, ये कैटेगरी का एक कंट्रास्ट होता है विच रेफर टू द टेस्ट डेटा, जो कि टेस्ट करता है डैट डू नॉट रिलाई ऑन नॉलेज, ये आपकी नॉलेज बेस पर नहीं होता बल्कि ये इंटीरियर कंपोजिशन होता है, यानी सॉफ्टवेयर का जो इंटीरियर होगा उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देखें, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ अ टेक्निक, यानी कि जो आप ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होती है इस टेक्निक को आप जो है
बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी कह सकते हैं, जो कि कंसिस्ट होती है आइडेंटिफाई रेंजेस ऑफ डेटा कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी कि जो आपका डेटा होता है जो कि कंसिस्टेंट होता है आपके सॉफ्टवेयर पे या आपके पास होता है वो इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाता है। इसको आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको आपने स्किप नहीं करना, उसके आगे आपने खुद से पढ़ लेना है, इसके आगे बताने वाला आपको कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है, आपने देखा होगा कि आप कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं या आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं उसके अंदर आपके पास जो होता है एक बुक टाइप मटेरियल निकलता है। तो ये बुक टाइप मटेरियल जो होता है डेट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको बताया जाता है कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है या आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या हैं, लैपटॉप के क्या फीचर्स हैं, मोबाइल के क्या फीचर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ से देखें क्या कह रहा है, इसका पर्पस आपको आ सकता है दो नंबर का, तो ये आपने देख लेना है। द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो पर्पस है डॉक्यूमेंट का, यूजर डॉक्यूमेंट का, इज टू एक्सप्लेन द फीचर्स। ये फीचर्स को एक्सप्लेन करता है सॉफ्टवेयर के एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज देम, और ये बताता है कि आपने किस तरह यूज करना है। इट इज इंटेंडेड टू रीड बाय द यूजर, ये जरूरी है कि यूजर इसको रीड वगैरह करे। आगे आपने खुद से एक दफा इसको रीड आउट कर लेना है। आगे बात करते हैं सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की। तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर के इंटरनल कंपोजिशन को। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरनली किस तरह काम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सिस्टम के अंदर लाई गई हैं। आपको पता है सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इनको हम सिस्टम कह सकते हैं। उसके आगे अगर बात करें तो वो क्या कह रहा है आपको कि ये मेंटेन करते हैं लाइफ साइकिल को, मेंटेन करता है लाइफ साइकिल को। और लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, आपके पास जो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल होती है इसको मेंटेन करने में आपको मदद देता है, और ये फ्यूचर यूज़ के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको कह रहा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस होता है हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्वाइव्ड, यानी कि सिस्टम ने किस तरह जो है वो इंस्टॉल होना है, सर्वाइव किस तरह करना है, अपडेट क्या आएगी इसकी, रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स वगैरह बैक टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपके पास लाई करती हैं सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में, सॉरी। तो ये टेक्निकली जो आपको मसला आएगा तो वो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होगा। अब टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और यूजर डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, ये आपने अच्छी तरह एक दफा देख लेना है। मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया जो कि मैंने आपको बताया, आप वो भी लिख सकते हैं, आपके हैंडआउट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, इसको भी आप एक दफा देख लें, बाकी आप इसको खुद से रीड आउट कर लें, इसके अंदर आपको बताने वाला रिमेनिंग कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस की। दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, इसको आपने स्किप नहीं करना। ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो यहाँ पर इसने सारी स्टोरी बताई हुई, मैं अगर आपको इस तरह समझाऊँ तो इसका मतलब क्या होगा। ह्यूमन मशीन इंटरफेस का मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह मैं अगर आपको भाई पास यहाँ पर डेव C++ की बात करूँ तो डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है वो ये है। तो आपके पास ये है सॉफ्टवेयर डेव C++ का। अब आप क्या करते हैं, जितना अच्छा आपका ये जो सॉफ्टवेयर होगा उतना ही अच्छा आपके जो यूज़र है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो आपसे सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करेगा। तो ये आपके पास ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छा जो है वो इंटरफेस बनाना है ताकि आपको इसका ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आपके ह्यूमन मशीन इंटरफेस में इसने बताई हुई हैं। आपने इसको एक दफ़ा खुद से रीड कर लेना है, कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना है। उसके आगे बात करें तो वो कह रहा है कि रिसर्च इन ह्यूमन मशीन इंटरफेस, आप जो भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस के अंदर डिज़ाइन करते हैं हैवली फ्रॉम द एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग बेस पर कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। ये अर्गोनॉमिक्स कहलाता है विच डील, जो कि डील करता है डिजाइनिंग सिस्टम के साथ जो कि नॉर्मली क्या होता है हार्मोनाइज होता है विद द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन, जो कि ह्यूमन की फिजिकल एबिलिटीज पे लाए करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, इसको भी आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। तो ये भी आपने स्किप नहीं करना, एज आ MCQs आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह जो पेपर होगा जो आएगा VU का, वो मैं आपके साथ साथ विदिन आफ्टर 5 मिनट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी एक आपको एग्जांपल दे रहा है कैप्स लॉक वगैरह की, इसका बेसिक मतलब ये है कि इसका बेसिक फंक्शन है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस में भी आप इसको कर सकते हैं। एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू आपने लिख ले, इसको एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर से नहीं आता होता। उसके आगे यहाँ पर आपको GOMS यानी जॉम्स वगैरह, इसको आप टॉम्स भी कह सकते हैं। ये एक मॉडल था जो कि आपको 1954 के अंदर दिया गया था। इसका बेसिक मतलब ये था कि आप कुछ ना कुछ मैट्रिक्स के अंदर सर्च कर सके ह्यूमन मशीन इंटरफेस के अंदर। तो ये एज अ MCQs आपसे पूछा जा सकता है, जॉब से वगैरह वगैरह ऑप्शन आ सकता है, तो आपने ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सॉफ्टवेयर ओनरशिप एंड लाइबिलिटी क्या होता है। सॉफ्टवेयर ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने खुद से सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया तो अब आप इसका ही फायदा ले सकें। तो सॉफ्टवेयर ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता है, मच ऑफ विच इज़ बेस्ड, जो कि बेस करता है आपके पास वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आपने किसी का भी इलीगल मटेरियल को इस्तेमाल किया तो वो कॉपीराइट है। और पेटेंट लॉ भी इसी चीज़ का नाम है कि ये भी कॉपीराइट की ही एक क्वालिटी है जिसको ये इंश्योर करता है। ये इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन बस आप इतना याद रखेंगे पेटेंट लॉ से मुराद यहाँ पर ये है कि आपने किसी का इलीगल जो सॉफ्टवेयर है उसको चोरी करने के बाद दूसरों को बेच दिया तो अब आप पर पेटेंट लॉ अप्लाई किया जाएगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात करें तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैंने एक साल का आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस दे दिया है। लेकिन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि आपने क्या करना है कि आप इस सॉफ्टवेयर के मालिक हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर एंड द यूजर ऑफ अ सिस्टम प्रोडक्ट दैट ग्रांट द यूजर सर्टेन परमिशन टू यूज द प्रोडक्ट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। आप यहाँ पर ओनरशिप नहीं देते, यानी आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो आपसे खरीदते हैं आपने ये नहीं कहते कि आप ही इस सॉफ्टवेयर के मालिक हैं, बल्कि आप उनको अपनी सर्विसेज जो होते हैं वो दे रहे होते हैं। जिस तरह एमएस वर्ड है, हम सब एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम एमएस वर्ड के ओनर हैं, हम एक्चुअली एमएस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब होता है। आगे देखें तो वो आप 20 साल के कुछ आपको बता रहा है कि पेटेंट एप्लीकेशन में आपको क्या होता है, आपको टाइपिकली 20 ईयर्स लग जाते हैं जिससे आप फुलफिल करते हैं अपनी कंडीशन को। पेटेंट लॉ किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ से देखें, दिस इज इस्टेब्लिश टू अलाउ एन इन्वेंटर टू बेनिफिट कमर्शियली फॉर एन इन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, पेटेंट लॉ को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि हम बेनिफिट्स ले सकें कमर्शियली का मतलब यानी आपके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ सके आपकी इन्वेंशन से, जो आपने इन्वेंट किया हुआ है उससे आपके पास रेवेन्यू आए। तो अगर आपका यही लॉ कोई मतलब यही कोई आपका सॉफ्टवेयर चोरी कर लेता है तब आप उन पर क्लेम करने वाले बन जाते हैं कि जनाब ये हमारा है और आपने इसे चोरी किया हुआ, तब आप उसे क्लेम करेंगे तो क्लेम आपका पेटेंट लॉ के आगे आ जाएगा, यानी आपका पेटेंट लॉ ये कहलाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, 146 की बात करें तो अरेज और एग्रीगेट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने कंप्लीट अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप छोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको सारा जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अरेज क्या होता है, अरे का मतलब ये होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा विच हुज एंट्रीज आर द सेम टाइप। यानी अरेज के अंदर ये हो रहा होता है कि आपके पास तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो सेम टाइप की लाए होती हैं, हर एंट्री सेम होती है। इसी के साथ साथ जो सिंपलेस्ट फॉर्म है अरे की, वो आपके पास वन डायमेंशनल अरे है और सिंगल रो ऑफ एलिमेंट विच ईच पोजीशन आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सिंगल एलिमेंट को हम इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके आगे बात करें तो वो कह रहा है वन डायमेंशनल अरे, जो एक डायमेंशनल अरे है वो 26 एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है। ये एज अ एमसीक्यू मेरा नहीं ख्याल कि किसी 2020 में किसी स्टूडेंट के क्विज में या किसी स्टूडेंट के पेपर में ना आया हो फाइनल में, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना, जो सिंगल अरे है वो 26 एलिमेंट्स रखता है, इसको आपने याद रखना है। उसके आगे देखें तो उसके आगे आपसे बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। फिर उसके बाद एग्रीगेट की टाइप की बात करें तो एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास ब्लॉक ऑफ डेटा होता है लेकिन डिफरेंट डेटा आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा होता है। डिफरेंट डेटा से मुराद ये है कि अब आपके पास जो अरे का मतलब है कि 0000 आपके पास आ रहा है और एग्रीगेट का मतलब है 0101 की फॉर्म में आपके पास डेटा आ रहा है, तो ये डेटा आपके पास एग्रीगेट टाइप कहलाता है। तो अब जब आपके पास एटम्स होती हैं ब्लॉक ऑफ डेटा के अंदर, वो यूजली फील्ड्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल को आप काइंडली खुद से रीड आउट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है टॉपिक, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखें तो लिस्ट क्या होती है आपके पास, आप सबको पता है लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है एक लिस्ट, इसका मतलब है कि आपने कलेक्शन किया हुआ है एंट्रीज को जो कि अरेंज किया होता है सीक्वेंशली, यानी सीक्वेंस के साथ किसी भी चीज़ को अरेंज करना आपके पास होता है वो लिस्ट कहलाता है। अब लिस्ट की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जो बिगनिंग होता है यानी सबसे ऊपर जो लिस्ट है आपके पास वो आपके पास हेड कहलाएगी, और जो आपके पास आखिर वाली है यानी आखिर में बिल्कुल है वो आपके पास जो है वो टेल कहलाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको अगर स्टैक आगे बताऊं तो स्टैक का मतलब क्या है, स्टैक भी एक लिस्ट है जिसको एंट्रीज करना, इंसर्टेड करना, रिमूव करना ओवर हेड से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें स्टैक की तो फिजिकल जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं आपके पास डिस्क्रिएट की फॉर्म में एडिशन है, डिलीशन है, ये तमाम चीज़ें स्टैक में आपके पास आती हैं। प्रैक्टिकल करें इसका जी, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एमएस वर्ड के ऊपर लिख लिया, तो ये देखिए आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, यहाँ से आप इसको अरेज कर दें तो ये आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अब ये जो आपके पास पहला लिस्ट का नंबर है ये आपके पास कहलाता है हेड, इसी के साथ साथ ये जो आपके पास लास्ट नंबर है ये आपके पास लिस्ट का कहलाएगा टेल।
तो ये चीजें आपने याद रखनी है, यही आपको वो बता रहा है कि इस तरह की आपके पास एक लिस्ट होती है और इस लिस्ट को जो है वो हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक, यानी हेड है और टेल है, इस तरह हम अपने फंक्शंस के अंदर यूटिलाइज करते होते हैं। आगे बात कर रहे हैं तो आगे आपको क्या कह रहा है, स्टैक मैंने आपको बता दिया है। स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक एक लिस्ट होती है जिसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि देखें, ये आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से मैं कुछ भी रिमूव कर सकता हूँ। जिस तरह ये 4 है, मैंने इसको रिमूव करना है, इसी तरह 7 है, मैंने इसको भी रिमूव करना है। तो इस तरह से आपके पास स्टैक की फॉर्म में ये सारा जो फिनोमेना होगा ये आपका कहलाएगा स्टैक, ठीक है। इस स्टैक का मतलब ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके आगे बात करें तो LIFO, LIFO ये पॉपिंग और पुशिंग वगैरह है। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट अ बॉटम ऑफ अ स्टैक। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं ना न्यू अपने लिस्ट के अंदर, तो वो पुशिंग होगा। जिस तरह मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चीज़ को इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हेड है, तो मैंने हेड से मैं चाहता हूँ कि हेड के मुताबिक मैं यहाँ पर 2 इसको ले आऊँ, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, तो ये 2 आ गया, और 2 के साथ मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आप हेड से जो है 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो दो चीज़ें होंगी ये आपका फिनोमेना कहलाता होता है पुशिंग का फिनोमेना, यहाँ आप इसको पुशिंग कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ अब वो कह रहा है कि अगर आप कुछ भी चीज़ एंड से अगर करें, ये देखें, अगर आप जो है वो टॉप से करते हैं स्टैक के, तो आप पॉपिंग कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लास्ट से बिल्कुल कर रहा हूँ, यानी ये जहाँ टेल है यहाँ से मैं इसको कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ, तो ये इसका जो होगा वो पॉपिंग का फिनोमेना यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको LIFO, LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि आप सबसे पहले जो लास्ट में चीज़ भेज रहे हैं वही फर्स्ट में आ रही है आपके पास। जिस तरह अगर आपसे मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर MS Word पे इसकी एग्जांपल करें, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपने नंबर्स को रीअरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिया बैकवर्ड दिया 5, 4, 3, 2, 1। ये आपके पास एक नंबर है और आपने इस नंबर को रीअरेंज करना है, तो आप इस नंबर को रीअरेंज किस तरह करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखें जो लास्ट में था वो आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया, उसके बाद जो है वो सेकंड पे आ गया। तो ये जो होगा आपके पास इस तरह का जो फिनोमिना होता है, इस तरह की कैटेगरी को हम LIFO कहते हैं। LIFO का मतलब ये होता है आपके पास कि ये आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसी तरह से आगे वो बात कर रहा है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको एग्जांपल से अगर मैं करवाऊं तो एग्जांपल देखें, जी ये आपके पास एग्जांपल है। तो ये देखें आपके पास क्या है, एक स्टैक, एक लाइन है। अब यहाँ पर जिस तरह एक ऑफिस टिकट में होता है, तो ये हेड है और ये टेल है। अब यहाँ पर जो पहले आएगा वही पहले पालेगा, तो ये आपके पास एग्जांपल होती है FIFO यानी FIFO की। उसके आगे बात करें ट्रीज की, तो ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज का मतलब ये होता है कि आपने क्या है, जो एक प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है डिफरेंट फील्ड्स के, फिर इसके अलावा आगे उनके अंडर लोग कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, इस तरह का जो कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, तो ये आपके पास ट्रीज का अमल जो होता है वो कहलाता है। ईच पोजिशन इन अ ट्री इज कॉल्ड अ नोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने देख लेना है। उसके आगे देखें द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड द रूट नोड, जो नोड होता है टॉप पर वो आपके पास रूट कहलाता है। जिस तरह ये है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास टॉप होगा, ठीक है, आप इसे यहाँ पर टॉप रूट कह सकते हैं। उसके आगे देखें, हाँ जी आगे बात करते हैं, तो आगे आपको क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है आपको कि हर नोड के आगे टर्मिनल नोड्स होते हैं, यानी नोड्स एट द अदर एक्सट्रीम आर कॉल्ड टर्मिनल नोड और समटाइम कॉल्ड लीफ नोड्स। ये भी एज ए MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि टर्मिनल नोड इज आल्सो कॉल्ड लीफ नोड या लीफ नोड इज आल्सो कॉल्ड डैश दिया होगा आगे टर्मिनल नोड, इसको एज अ ऑप्शन बनाया होगा। कंप्यूटर की बात करें तो देखेंगे आपके पास रूट नोड है, रूट नोड आपके पास यहाँ पर कंसिस्टेड होता है 2 पॉइंट से, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंसिस्टेड है इस पॉइंट से, यानी 3 पॉइंट से, और उसके आगे फर्दर बंदे जो वो काम कर रहे हैं। इस तरह आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम कर सकते हैं। ब्रांचेज वगैरह सब ट्रीज वगैरह आगे ये मैंने आपको इससे बता दिया है, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो पॉइंटर्स की, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर एक ऐसा अमल होता है या पॉइंटर एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके जरिए आप अपना डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली जो है वो फ्लो या ईजिली आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको बताऊँ तो एक्चुअली माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस के जगह मैं ये जो कर्सर है मेरा जो कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रहा है, मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ा आसानी के साथ लेके जा सकता हूँ। तो पॉइंटर का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें, मूवमेंट कर दें थ्रू पॉइंटर्स। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात करें तो वो कह रहा था प्रोग्राम काउंटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जी
program counter plays the important role of a pointer. In fact, another name of a program counter, another name of a program counter is also called instruction pointer. As a MCQ आपसे पूछा जाता है, इसको आपने याद रखना है. यहाँ पर अगर डिफरेंट पॉइंटर्स के एग्जांपल दे रहा है, इसको आप खुद से एक दफा काइंडली देख लीजिएगा. 150 मॉडल की बात करें तो यहाँ से आपको थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, डेटाबेस आ गया. डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा आप जनरेट कर रहे होते हैं रेगुलर बेस पर. तो अब इस डेटा को आपने एक स्पेसिफिक जो टेक्निक है उसके थ्रू रिट्राइव करना है. तो ये आपका डेटाबेस सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपना डेटा को निकाल सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट फाइल की. ये क्या होती हैं? फ्लैट फाइल जो होती है एक वन डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि ये प्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके आगे बात करें तो उसके आगे आप खुद से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है. मैंने आपको जो चीज़ें बता दी हैं वही यहाँ पर बता रहा है कि गूगल है जिससे आप अपना डेटा निकाल सकते हैं, इसके अलावा अमेजोन कंपनी वगैरह वगैरह. तो ये आप खुद से रीड आउट कर लें. इसका मकसद बेसिकली यही है कि आपने किसी भी डेटा को जनरेट किया और उस डेटा को एक स्पेसिफिक टेक्निक के मुताबिक जो भी निकालेंगे तो वो आपका एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप निकाल सकते हैं. उसके आगे बात करते हैं रोल ऑफ स्कीमा की. स्कीमा सबसे पहले होता क्या है? अ स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन. ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि डेटाबेस को स्ट्रक्चर को दिया जाता है, डेट इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बाय द डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डेटाबेस. आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि जो सब स्कीमा होता है ये सॉफ्टवेयर यानी कि जो डेटाबेस है इसे मेंटेन करता है, जबकि सब स्कीमा जो होता है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन को मेंटेन करता है. ये आपने बात याद रखनी है कि जो स्कीमा है ये सिर्फ एक ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर को, सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जबकि सब स्कीमा सिर्फ एक ही जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसे मैनेज कर रहा होता है. ये आपके पास डेटाबेस का सिस्टम है. सबसे पहले यूज़र है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके बाद एक्चुअल डेटाबेस आपके पास आ जाता है. तो ये आपके पास डेटाबेस का है. इसके अलावा इंपॉर्टेंट हम सीखिए DBMS स्टैंड फॉर, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा. इसको आपने देख लेना है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है. उसके अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये आपके पास जो डेटाबेस का डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है वहाँ पे आ जाएगा. इसके अलावा आपका जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. द एबिलिटी टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो डेटाबेस को इटसेल्फ तौर पर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो इस्तेमाल कर ले, इसको चेंज कर ले. तो ये आपके पास एबिलिटीज होती हैं, ये आपने देख लेनी है और इसको याद भी रख लेना है. उसके आगे बात करें तो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल है उसकी बात कर रहा है. तो ये आपके पास एक मॉडल होता है जिसके जरिए आप अपने डेटाबेसेस को लिखते हैं. तो यहाँ पर बात करते हैं रिलेशन की. रिलेशन आपके पास क्या होता है? रिलेशन का मतलब ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पोर्ट्रेज डेटा एज बीइंग स्टोर्ड इन रेक्टेंगुलर टेबल्स. आपके डेटाबेस के अंदर जो आपका डेटा होता है वो रेक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर लिखा होता है, जिसे हम रिलेशंस कहते हैं, विच आर सिमिलर टू द फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन. यानी अगर हम टेबल देखें ना, तो ये देखें ये आपका एक रेक्टेंगुलर है और इस रेक्टेंगुलर के अंदर ये आपके पास एक ये जो लाइन्स है ये लिखी हुई है. तो ये जो पहली रो है आपके पास, ये आपके पास पहला रिलेशन कहलाता है. उसके आगे बात करें तो आगे आपको क्या कह रहा है कि विच आर सिमिलर, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. आगे देखें तो अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्यूपल. जो रिलेशन की रो होती है ये आपके पास ट्यूपल कहलाता है. ये एज अ एमसीक्यू पिछली दफा पूछा गया था, इसको आपने देख लेना है, इसको आपने याद रखना है. उसके आगे देखें तो उसके आगे आपको क्या कह रहा है? इन अ रिलेशन आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट बिकॉज ईच एंट्री इन अ कॉलम डिस्क्राइब सम करेक्टरिस्टिक्स. मतलब क्या इसका कि जो रेफर होता है एट्रीब्यूट से, वो हर एंट्री के अंदर एक कॉलम होता है जिसे आप डिस्क्राइब करते हैं, कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स आप देते हैं. यानी कि अगर इसके अंदर देखें तो ये आपको यही कह रहा है कि ये आपके पास जो चार पांच लाइनें हैं या चार पांच रोज कॉलम्स हैं, इनके अंदर आपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट दिया होता है, कुछ ना कुछ आपने कॉलम वगैरह दिया होता है. तो ये तमाम चीज़ें जो आपकी लाई करती हैं आपके डेटाबेस ट्यूपल्स के अंदर. 154 की बात करें तो अब आपको डिज़ाइन की बता रहा है कि डिज़ाइन आपके पास क्या कैसा होना चाहिए. तो इसके आप देखें तो वो कह रहा है कि आप पिवोटल स्टेप इज डिजाइनिंग अ रिलेशनल डेटाबेस इज टू डिजाइन द रिलेशन मेकिंग अ डेटाबेस. ये आपने खुद से एक बार रीड आउट कर लेना है, इसका बेसिक काम यहाँ से होगा. अच्छा, सिर्फ आप ये डायग्राम समझ लें, बाकी इसने सारे एक्सप्लेनेशन इसको दी हुई है. ये आपकी एम्प्लॉयर आईडी है, तो ये एम्प्लॉयर आईडी के साथ साथ ये तमाम जो चीज़ें एम्प्लॉयर्स की हैं, तो चार पांच एम्प्लॉयर्स हैं जिनको आपने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा है, यही चीज़ आपको यहाँ पर सिखा रहा है कि इस तरह से आप अपने डेटा को जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएशन वगैरह कर सकते हैं. आपका जो डेटा होगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है. तो ये आपने इसको एक दफ़ा लाजमी से कंसर्न करना है और इसको आपने देखना है. अपनी प्रैक्टिस भी आपने इसको कॉपी पर बना के एक दफ़ा लाजमी कर लेनी है.
उसके आगे अब आपको यहाँ पर बता रहा है कि इसका फैक्ट ये है कि आप इस तरह जॉब रिलेशन अलग अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके पास जो है ये सेपरेट है और वो आपके पास जो है वो कंबाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ आपके साथ रिलेट हो रहा होता है। यहाँ से देखते हैं, एट टाइम वी नीड टू सेलेक्ट सर्टेन ट्यूपल्स फ्रॉम अ रिलेशन। मतलब देखें इसका फिर वही आ जाएगा कि ट्यूपल जो होता है वो आपके पास रोज कॉलम के फॉर्म में होते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी एम्प्लॉयर वगैरह को जॉब वगैरह पे रखना है या आपने देना है, तो अब आप उसके लिए उसको दोबारा से एक दफ़ा अपने ट्यूपल्स को चेंज करेंगे। चेंज किस तरह करेंगे नेक्स्ट मॉडल की अब आपको बताएगा। तो ये देखें यहाँ पर 156 सेलेक्ट ऑपरेशन, ये अब आपको एक सेलेक्ट ऑपरेशन बता रहा है। इसको सिर्फ आपने ये सिंटैक्स याद रखना है, इस सिंटैक्स के अलावा आप इस पूरे मॉडल को छोड़ दें, इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं आता होता। सिर्फ आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए, इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना। तो ये आप सिंटैक्स याद करें, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये एक दो पैराग्राफ जो है इसको आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है। न्यू वन प्रोजेक्ट वगैरह की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपका कुछ पैसे आता नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसके अलावा ये जो लाइन है ना, ये आपके पास दोबारा से वो है जिससे आप कहते हैं आपका सिंटैक्स है। तो ये दो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है किस चीज़ का सिंटैक्स है। अगर आपने किसी भी न्यू लाइन को ऐड करना है तब आप ये देंगे, यानी ये सिंटैक्स होगा। और अगर आपने कोई मेल शेल करनी है अपने ईमेल को, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखते होते हैं, इस चीज़ को आप देते होते हैं। ये आपके पास जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरा है वो आपने अगर अपने एम्प्लॉयर आईडी रखनी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखें तो 148 ज्वाइन ऑपरेटर। ज्वाइन ऑपरेटर का मतलब कि कुछ भी आप ज्वाइन कर रहे हैं दो तीन नंबर्स को, तो आपने सिर्फ ये सिंटैक्स को दोबारा कहूँगा याद रखना है, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो देखें आपके पास दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को आपने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि आपने इसके थ्रू ज्वाइन करना है, यानी ये जो आपके पास सिंटैक्स है जो कि ऊपर आपको इसने बताया हुआ है यहाँ पर देखें, तो आपने इसके थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसी तरह से ये दो आपके पास ऑपरेशन हैं, और इन दोनों ऑपरेशंस को आपने जो है अगर ज्वाइन करना है तो आप दोनों को ज्वाइन करने के लिए सिंटैक्स लगाएंगे। डेट इज़ द दिस सिंटैक्स, ये वो सिंटैक्स है जिसे आप लगाएंगे, और इस सिंटैक्स को लगाने के बाद आपका जो रिलेशन है वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट भी आपके पास ज्वाइन ऑपरेटर ही आपके पास बता रहा है, तो इसको आपने एक बार अच्छी तरह देख लेना है, खुद से अपने हैंड आउट से इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके आगे देखें 159 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लोगों को बताना, लोगों को दिखाना है, यानी कि जिस तरह आपकी विंडोज़ हैं तमाम चीज़ें आपकी ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपने एक दफ़ा देखना है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जेक्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। जिस तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये देखें यहाँ पर ये जो है जॉब है, अब जॉब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लाई कर रहा है। इस तरह ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। जो यहाँ पर दूसरी असाइनमेंट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। इस तरह जॉब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये तमाम तर चीज़ें डेटाबेस के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज की जाती हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो ये बस आपने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेना, बाकी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। उसके आगे परसिस्टेंट की बात करें, तो परसिस्टेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो हम उसे परसिस्टेंट भी कहते हैं। इसको भी आपने देख लेना है, और उसके आगे सारी कहानियाँ आपने खुद से पढ़ लेनी है। इसके अंदर से कुछ नहीं आता होता, ना आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं। उसके आगे बात करें लास्ट की, तो मेंटेनिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी, दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने डेटाबेस की इंटीग्रिटी को, यानी आपको अपने डेटाबेस को मेंटेन करना है। मेंटेन करने का तरीका क्या होता है? अगर आपका जितना ज़्यादा बड़ा डेटा हो डेटाबेस सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन एक्सपेंसिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पर्सनल यूज आर रिलेटिवली सिंपल सिस्टम, यानी कि जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए छोटा सिस्टम जो होता है वो आपके पास इन एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दे टेंड टू हैव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंगल होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मल्टी यूज़र की, कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम की, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और ये मच हायर होता है। किसके लिए? आपके एक्सपेंस के लिए, आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपके डीवास्टिंग वगैरह के लिए। तो इसलिए आपको इंटीग्रिटी को मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रिटी मेंशन करेंगे तो आपका डेटाबेस अच्छा चलेगा और आपके डेटाबेस को यूटिलाइज करेंगे लोग, और आपको इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। जिस तरह गूगल है अभी अपने डेटा को मेंटेन किए हुए है, यूट्यूब है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं डेटाबेस के अंदर लाए करती हैं।
आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन पर है, आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। काइंडली मेरे इस वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हों, मुझे भी आपके लिए वीडियोस बनाने का फायदा हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसी चैनल पर इंशाल्लाह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स आपकी वीडियो यहीं तक की, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।